अब थोड़ा रिप्रेजेंट अलग वेदर द सेम है ऊपर वाला ये सब टर्म्स, उसके बाद वेदर के बाद क्या है वेदर द फॉलोइंग, वेदर द फॉलोइंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ओके। क्वेश्चन वन है बच्चों, देखो क्या है क्वेश्चन वन में, क्वेश्चन वन देखो क्या है, क्वेश्चन वन में है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव। सेकेंड क्या है इसी का, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। अब देखो बच्चों पहले क्या कह रहा है मेरे को कि कंपेयर करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्या है टू एक्स माइनस थ्री वाई, तो बेसिकली बच्चों कंसिस्टेंट मतलब विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन या विच हैज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब विच डज नॉट हैज एनी सॉल्यूशन। तो कौन से कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, जब लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैट मींस दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और जब होता है मेरा यूनिक सॉल्यूशन और या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कब होता है जब कोइंसाइड करते हैं टू लाइन्स, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का कंडीशन कौन कौन सा है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दैट इज कॉन्साइडिंग ईच अदर। और क्या कंडीशन होता है कंसिस्टेंट का, जहां यूनिक सॉल्यूशन मिले, मतलब ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो देखो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा कोफिशियंट ऑफ x, तो दैट इज ए वन इज इक्वल टू बी थ्री, बी वन इज इक्वल टू टू एंड सी वन इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगेन जब ये राइट हैंड साइड से सेवन लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, तो यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू थ्री, बी वन इज इक्वल टू टू, सी वन इज इक्वल टू माइनस फाइव हो गया, ओके। अगेन ए टू इज इक्वल टू टू, बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस सेवन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे ए वन अपॉन ए टू का। देखो ए वन अपॉन ए टू क्या हो गया थ्री अपॉन टू, अगेन बी वन अपॉन बी टू क्या हो गया टू अपॉन माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अगेन सी वन अपॉन सी टू क्या हो गया बच्चों, सी वन अपॉन सी टू क्या हो गया माइनस फाइव अपॉन माइनस सेवन, दैट इज इक्वल टू फाइव अपॉन सेवन। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करूंगा, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो जब ऐसा कंडीशन होता है बच्चों तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि दिस विल गिव द यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स दिस टू लाइन, कौन कौन सा लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, सॉरी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी कि एक ये लाइन है, वन ऑफ लाइन इज दिस वन एंड सेकंड लाइन इज दिस वन, देन दिस टू लाइंस इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। क्या हो गया, दिस टू लाइंस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, ओके, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज लीनियर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके पास इट हैज द सॉल्यूशन. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्या है देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2x minus 3y is equal to 8. इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते तो ये क्या हो जाएगा? -8 is equal to 0. बच्चों सेम है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, बस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4x minus 6y is equal to 9. तो इसको मैं इस साइड अगेन लेके आया तो ये क्या है? 9 is equal to 0. अब बच्चों क्या करना है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बनाना है ना. तो a1 upon a2 निकालो जल्दी से. देखो क्या आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर वैसे ही सिमिलर जो प्रीवियस प्रोसेस किया था. a1 निकालूंगा, a1 is equal to 2, a2 is equal to -3, b1 is equal to -3, c1 is equal to -8. अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2 is equal to 4, b2 is equal to -6, c2 is equal to -9. ये बच्चों क्या हो गया? a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, क्या हुआ? 1 upon 2. अगेन b1 upon b2 क्या हो गया? b1 upon b2 is equal to -3 upon -6, that is 1 upon 2. अगेन c1 upon c2 क्या हो गया? -8 upon -9, that is 8 upon 9. तो बच्चों यहां से क्या कमेंट करूंगा मैं, यहां से क्या करूंगा? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2. तो ये किसका कंडीशन है बच्चों? पैरेलल लाइंस का, यानी कि दीज टू इक्वेशंस, जो इक्वेशंस है दीज टू, ये क्या है? लाइंस का इक्वेशन है ये, और ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर पैरेलल टू ईच अदर है, इट मींस दैट कैसा वो होगा? इनकंसिस्टेंट. मतलब ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट मतलब इट डज नॉट हैज एनी सॉल्यूशन. ओके ओके बच्चों, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन. थर्ड देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है 3x + 5/3y = 7. तो इसको क्या लिख सकता हूं? -7 = 0. इसी में फिर क्या क्वेश्चन है? 9x - 10y = 14. तो ये क्या है? -14 = 0. देखो यहाँ पे a1 क्या है? a1 = 3/2, b1 क्या है? b1 = 5/3, c1 = -7. अगेन बच्चों क्या है? a2 = 9, b2 = -10, c2 = -14. ओके, अब यहाँ बच्चों मैं क्या निकालूंगा? a1 upon a2, तो a1 upon a2 क्या हो जाएगा? 3 upon 2 upon 9, that is equal to 3 upon 2 into 9. तो ये है ना डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया? 1 upon 6, यानी कि a1 upon a2 कितना हुआ वैल्यू? 1 upon 6. अगेन b1 upon b2 क्या हो जाएगा बच्चों? b1 क्या है? 5 upon 3 एंड b2 क्या है? -10. तो ये क्या आ जाएगा? देखो ये क्या आ जाएगा? 5 upon 3 into -10, that is equal to -1 upon 6. यहाँ देखो क्या है? 1 upon 6 है और उसमें क्या आ गया? -1 upon 6. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक बच्चों, अब ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
थ्री। तो अब बताओ फिर सी वन अपॉन सी टू निकालो, सी वन अपॉन सी टू निकालो क्या आने वाला है। देखो बच्चों यहाँ पे है ना आपका क्या आया, ये कुछ ऐसा आया। अब इसको मैं कंपेयर करूं फिर यहाँ पे एक और C1 अपॉन C2 निकालता हूँ। C1 अपॉन C2 क्या आएगा, माइनस सेवन अपॉन माइनस फोर्टीन, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू। देखो अभी क्या आया था, अगर मैं इसका रेशियो निकालता था ए वन अपॉन ए टू का, या ए वन क्या था यहाँ पे थ्री बाई टू और ए टू क्या था नाइन, तो जब रेशियो निकाला था इसका क्या है वन अपॉन सिक्स। B1 अपॉन B2 निकाला तो ये क्या है माइनस वन अपॉन सिक्स। ओके जब ये वैल्यूज आपका आ रहा है तो यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से A1 बोलूंगा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। देखो A1 अपॉन A2 क्या है बच्चों वन अपॉन सिक्स है ना, और B1 अपॉन B2 क्या है माइनस वन अपॉन सिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो ये कैसा है, दीज टू लाइन्स, कौन सा लाइन यानी कि दीज टू लाइन्स, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है ये वाला, ये क्या है ये दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, इट इज इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन मिला ना, तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इट हैज अ सॉल्यूशन वेदर अ सिंगल सॉल्यूशन और अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके ये कैसा हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा हो गया इसके पास कंसिस्टेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, टोटल क्वेश्चन कितने बचे इसमें, फाइव है। अब मैं थर्ड तक डिस्कशन कर चुका हूँ, फोर्थ वन क्या है, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू इलेवन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या है, माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन है। देखो यहाँ पे ए वन क्या हो गया फाइव, बी वन क्या हो गया माइनस थ्री, सी वन क्या हो गया माइनस इलेवन, यहाँ ए वन क्या हो गया माइनस टेन, बी वन क्या हो गया बी टू सॉरी ए टू क्या हो गया माइनस टेन, बी टू क्या हो गया सिक्स, सी टू क्या हो गया माइनस ट्वेंटी टू। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए वन अपॉन ए टू क्या होगा, ए वन क्या है फाइव, ए टू क्या माइनस टेन, तो ये क्या होगा माइनस वन अपॉन टू। सिमिलरली बी वन अपॉन बी टू क्या होगा माइनस थ्री अपॉन सिक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अगेन सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, सी वन क्या है माइनस इलेवन, सी टू क्या है माइनस ट्वेंटी टू, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो अब यहाँ से बच्चों अगर ये कंपेयर करो तो देखो ये और ये सेम है क्या, तो लिख सकता हूँ क्या, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। फिर देखो C1 लेकिन इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू C1 वन अपॉन सी टू, दैट इज दीज टू लाइन्स, ये और ये लाइन क्या है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर, क्या है दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर। जब पैरेलल टू इच अदर है तो इसके पास क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा पैरेलल्स रहेंगे, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया बच्चों इनकंसिस्टेंट। ओके थर्ड हो गया, फिर फोर्थ, फोर्थ हो गया था बच्चों, फिफ्थ अब है, क्या है फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, यानी कि वाई एट को है ना लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो क्या हो गया माइनस एट। उसके बाद क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये बच्चों क्या है देखो
ये क्या है, इतना इज इक्वल टू जीरो है, दिस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो दो इक्वेशन है ना, तो यहाँ ए वन क्या हो गया फोर अपॉन थ्री, बी वन क्या हो गया टू, सी वन क्या हो गया माइनस एट, अगेन ए टू क्या हो गया टू, बी टू इक्वल टू थ्री, सी टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ए वन अपॉन ए टू क्या हो गया फोर अपॉन थ्री अपॉन टू, डेट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब बी वन अपॉन बी टू क्या हो गया, बी वन अपॉन बी टू टू अपॉन थ्री, डेट इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। अगेन सी वन अपॉन सी टू क्या हो गया बच्चों, माइनस एट अपॉन माइनस ट्वेल्व, डेट इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। तो यहां से देखो क्या है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो ये क्या बोलूंगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये कैसा हो गया, दिस ऑल आर कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, दिस इज द कंसिस्टेंट। ओके, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका थ्री कंप्लीट हुआ, आप क्वेश्चन नंबर फोर के पास जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या है, Which of the following pairs of linear equations, pairs of linear equations are consistent, has inconsistent if consistent, if consistent comma obtain the solution graphically। तभी तक बच्चों बताया था ना, अगर consistent होता है तो उसके पास solutions होता है, that is uni solution हो सकता है या it has the इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब मेरे को क्या करना है, कंसिस्टेंट है तो पता लगाना है कि यूनिक सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशंस है तो कौन सा सॉल्यूशन है, ग्राफ्स को ड्रॉ करके। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव कॉमा टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, इसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है देखो, ए वन क्या हो गया वन, बी वन इज इक्वल टू वन, सी वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, सी वन कैसे, तो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और सेकेंड ये फॉर्मेट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो गया, ए टू इज इक्वल टू टू, बी टू इज इक्वल टू टू एंड C2 is equals to minus 10। देखो A1 upon A2 क्या हो गया, A1 upon A2 is equals to 1 upon 2, B1 upon B2 is equals to 1 upon 2, C1 upon C2 is equals to minus 5 upon minus 10, that is 1 upon 2। तो देखो यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। तो ये क्या हो गया, condition of कोइंसाइड, क्या हो गया, लाइंस आर कोइंसाइड। जब लाइंस कोइंसाइड है बच्चों, लाइंस कोइंसाइड है तो वो क्या होगा, इट इज अ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरा,
हाँ कंसिस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, मेरे को फाइंड आउट करना है, ओके मेरे को फाइंड आउट करना है ग्राफ से कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये आपस में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा कोइंसाइड करेगा। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो ग्राफ अगर बनाऊ तो क्या होगा बताओ, सिमिलरली वही सेम पैटर्न ना, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया x और नीचे क्या हो गया y, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस फाइव। तो अब x इज इक्वल टू अगर मैं जीरो लेता हूं तो y इज इक्वल टू फाइव, x इज इक्वल टू फाइव तो y इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बच्चों इसको मैं सॉल्व करूं तो ये देखो ये क्या है x है ना, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन टू प्लस टेन अपॉन टू, ऐसा कुछ आया क्या। अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो लू तो y इज इक्वल टू फाइव, अगेन x इज इक्वल टू फाइव लू तो y इज इक्वल टू जीरो। देखो दोनों सेम कोऑर्डिनेट दे रहा है क्या, सेम कोऑर्डिनेट दे रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज ऑल आर कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस। देखो तो अब इसको मैं ड्रॉ करूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो क्या आएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये क्या हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव। तो जीरो का जीरो पे क्या है वैल्यू फाइव, जीरो ये है और फाइव पे क्या है जीरो, तो यानी कि ये जब कोऑर्डिनेट मिलाऊंगा तो ये कैसा कुछ ऐसा मिलेगा क्या। सिमिलरली ये इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, इस इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा तो सिमिलरली मेरे को यही लाइन मिलेगा। तो आपस में ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके पास इट हैज द मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, 0.5, 5.0 और भी वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x का वो वैल्यू जो y को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा। ओके समझ में आई बात, ठीक। अब पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, फोर्थ नंबर का सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू एट, अगेन थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन। देखो अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे ए वन क्या हो गया वन, बी वन क्या हो गया माइनस वन, सी वन क्या हो जाएगा, सी वन इज इक्वल टू माइनस एट, अगेन ए टू इज इक्वल टू थ्री, बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी टू इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहां से क्या हो गया a1 अपॉन a2 क्या हो गया 1 अपॉन 3, b1 अपॉन